हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आप लोगों को काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो नहीं मिल रही थी, तो एक समस्या थी, तो थोड़ा हमारा वर्क चल रहा था, इसलिए क्या है, हम आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहे थे। अब आपकी जो एग्ज़ाम है वो एग्जिट मुश्किल से एक महीने बचा हुआ है, ठीक है। अब आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं और वीडियो को नहीं बना रहा था। तो आप लोगों को, अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो आपका जो भी ग्रुप हो फिटर फर्स्ट ईयर का, उसमें शेयर करने का फ़र्ज़ आप लोगों को बनता है, ठीक है, एक बात ध्यान रख लेना। और आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है, रेलवे लोको पायलट में वैकेंसी आ रही है, उसकी तैयारी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर का एक ग्रुप बना हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सअप ग्रुप, और टेलीग्राम पे लिंक दी हुई है, उस टेलीग्राम को भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम पर क्या होता है, मैं पीडीएफ जो होगी इसकी, जो नई अपडेट पीडीएफ जो वर्ज़न है, ये नई पीडीएफ है, उसमें कुछ अपडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए। और साथ में हर क्वेश्चन पर आप लोगों को कमेंट करना है। एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो, तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट यही करूँगा कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में उसके बेल आइकन है घंटी को, उसको ऑल पर प्रेस कर लो, ठीक है। चलिए, ज़्यादा समय हम आपका बर्बाद नहीं करेंगे, और अच्छे से कम इस वीडियो में 30 क्वेश्चन करेंगे। कितने? 30, मैंने आपकी डिमांड बढ़ा दी है, ठीक है। चलिए, अब आप अपना पूरा फ़र्ज़ निभाना है, इस वीडियो को शेयर करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, 40 तक हो चुके हैं, 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किस फाइल जो है, एक फाइल है उसकी समांतर किनारे होते हैं, उनमें लंबाई में खाली स्थान होते हैं, उसकी लंबाई में क्या होते हैं, हैंड लाइफ होते हैं, या वस्टर्ड फाइल होता है, या रॉस कट फाइल होता है, या सिंगल कट फाइल होता है, तो क्या होता है वो हमें बताना है। देखो साथियों, सभी लोग कमेंट करिए, देखो अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, साथ में कमेंट, बिल्कुल सही। रवि, राहुल, बहुत बढ़िया, अभिषेक, बहुत अच्छे, एकदम बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छे से आंसर दे रहे हो। प्लीज़ एक बार मैं सभी से कहना चाहूँगा, एक बार शेयर कर दो इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें आज। चलिए, काफ़ी दिन बाद वीडियो आई थी आपके लिए, तो और हाँ, पीछे जो वीडियो है, आप हमारी वीडियो में जाएं, चैनल पर जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसकी हम प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत जल्दी तैयार कर देंगे, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाया करेंगी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, इसका राइट ऑप्शन क्या लगा रहे हैं, जो भी साथी ए ऑप्शन लगा रहे हैं, हैंड लाइफ, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो कह रहा है, बेंच वाइज को बनाने की सामग्री जो होती है, मटेरियल कह सकते हैं, वह क्या है, स्टूल स्टील का होता है, उच्च कार्बन इस्पात का होता है, या मध्यम कार्बन स्टील का होता है, या कस्ट आयरन का, जल्दी से। चलिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, 5 सेकंड दे, उसके बाद बताइए। चलिए चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। जो भी साथी, जो भी ट्रेनिंग हमारे, क्या डी ऑप्शन लगा रहे हो, तो बिल्कुल सही है। देखो, एक दो लोग गलत मत लगाओ, आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, कस्ट आयरन। क्या आपका सही है? तो बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, 30 क्वेश्चन में जितना भी स्कोर हो आप लोग कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों को स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है, कौन सी करती है, वाइट वॉश करती है, या हम कह सकते हैं प्रेसियन ब्लू करती है, कॉपर सल्फेट करती है, या हम कह सकते हैं सेलुलोज लॉकर करता है, तो कौन करता है बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए यार, काफ़ी लोगों ने तो पहले ही आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, यानी कि प्रेसियन ब्लू। 43 का बी ऑप्शन लगा रहे हो तो आपका ये सही हो जाएगा, बहुत अच्छे। चलिए, आप लोग आंसर, मतलब क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आंसर, बहुत अच्छे। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है, स्लॉटेड एंगल में, तो उसमें जो स्लॉट होता है उसका उद्देश्य क्या है, जॉब को पकड़ने के लिए उद्देश्य होता है, या आसान से हैंडल होता है, या वजन कम करना होता है, या बेहतर दिखावट, क्या होता है वो हमें बताना है। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, सही आंसर आप क्या लगा रहे हो, 44 का, क्या आप जॉब को पकड़ने के लिए, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने ये आंसर बिल्कुल सही दिया है, क्या ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, जो राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलीपर का उपयोग किया जाता है, जेनी कैलीपर, सन साइड कैलीपर, या आउटसाइड कैलीपर, या फॉर्म ज्वाइंट कैलीपर, तो किसका प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त, सभी ट्रेनी इसका लगा देंगे, सर इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जेनी कैलीपर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत अच्छे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46,
क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? देखिए x चिन्हित है, x चिन्हित वाले भाग का नाम बताना है। क्या x चिन्हित वाले भाग का? इस वाले भाग को बताना है। इसे क्या कहते हैं? प्लेग या लेग कहते हैं, पेग कहते हैं, वासर या फलक्रम, इसको क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन सर, इसे क्या कहेंगे सर? इसे फलक्रम बोलते हैं, यानी कि फलक्रम, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, जो इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताना है, ये कौन सा यंत्र है? वेवल गेज है, या वेवल प्रोटेक्टर है, या यूनिवर्सल वेवल गेज है, या यूनिवर्सल सरफेस गेज है, क्या है बताइए? सभी लोग कमेंट करिए सर, इसका राइट ऑप्शन, जैसे बोलते हैं यूनिवर्सल वेवल गेज, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छे, सी ऑप्शन 47 का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, 10 डिग्री के मतलब 1.5 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हम किसका उपयोग करते हैं? स्क्वायर फाइल का, आधी गोल फाइल का, या हम कहते हैं त्रिकोणीय फाइल का, या नॉइज एच मतलब नाइफ एच फाइल का, किसका प्रयोग करेंगे? 48 का कमेंट करिए। 48 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा नाइफ एज फाइल का प्रयोग करेंगे। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सभी ट्रेनी देखते रहिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? फाइल वाइट कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सर उसे हम कहते हैं फाइल की पिनिंग, यानी कि इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? बी ऑप्शन, क्या? फाइल की पिनिंग। बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? जो आयल ग्रूवेज को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, तो किस छेनी का प्रयोग करेंगे वो हमें क्या है इसमें बताना है, बताइए? फ्लैट छेनी का, वेब छेनी का, हाफ राउंड नोज छेनी, या अरे यार सीधे हम करेंगे हाफ राउंड नोज छेनी। यह क्वेश्चन 2022 की जो फेलियर थे बच्चे कुछ थे उन लोगों की एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, जो फेल हो गए थे उसमें ये पूछा गया, 2022 में पूछा गया था, यानी कि मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, मैंने खुद देखा था। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, इस फाइल का नाम बताना है, ये जो फाइलें हैं ये कौन सी फाइलें हैं? आप लोग कमेंट करिए ये कौन सी फाइलें हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सर, ये फाइलें हैं रिफ्लेर फाइल, यानी कि रिफ्लेर फाइल मतलब बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, 51 का बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, देखो वीडियो को पूरा देखना बस, अगर आपको अच्छे 38 में से 35-36 क्वेश्चन करने हैं तो इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपसे 110% बोल रहा हूँ। आप चैनल को बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है? चलिए, क्योंकि मैं खुद इतनी मेहनत से बनाता हूँ वीडियो, कोई फालतू नहीं बनाता हूँ। इस 22 का नाम क्या है? चलिए इस 22 का नाम बताना है फटाफट, जल्दी से सभी साथी देखो कमेंट करते रहिए, कोई कंजूसी मत करो कमेंट में। चलिए बहुत बढ़िया, पिन वाइज है कि पाइप वाइज, कमेंट करिए बता दिए। अच्छा, काफ़ी लोग तो ए ऑप्शन लगा रहे हैं पिन वाइज, तो हमने भी ए ऑप्शन लगा दिया, 52 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करेंगे? वो हम सिर्फ और सिर्फ पेडिस्टल ग्राइंडर का प्रयोग करेंगे, सी ऑप्शन 53 का सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन आगे कह रहा है, जो चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं, हम कौन सी छेनी का प्रयोग करेंगे अलग करने के लिए, बताइए? सभी लोग बताइए सर हम वेव छेनी का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे? वेव छेनी का प्रयोग करेंगे। क्या ए ऑप्शन सही है सर? हम कहेंगे बिल्कुल मेरे ट्रेनी, ए ऑप्शन इसका सही है, देखो गलत आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेजी करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं? जो हमारी लकड़ी होती है आपने देखा होगा, जो गांव में देखा होगा, बागों में देखा होगा, उससे हम पत्ते से काटते हैं, उसका जो आरी होता है, उसके दांत जो होते हैं, उसे तेज करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे वो बताना है। तो बताइए 55 का
सही आंसर हो जाएगा। सर हम मिल सौ फाइल का प्रयोग करेंगे, मिल सा फाइल का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। छप्पन नंबर क्वेश्चन कह रहा है हथौड़े का वजन को खाली स्थान कहा जाता है। हथौड़े का वजन को खाली स्थान क्या कहते हैं? हथौड़े के वजन को बताइए, सभी लोग कमेंट करिए। 56 नंबर का, सर उसे बोलते हैं चीक। हथौड़े के वजन को क्या कहते हैं? चीक, यानी चीक मतलब सी ऑप्शन। चलिए बहुत अच्छे, चलिए आगे देखते हैं। आई क्वेश्चन नंबर 57, जो अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशासित कोणों से कम है तो क्या प्रभाव होगा, तो क्या प्रभाव पड़ जाएगा वो हमें बताना है। वो हो जाएगा क्या, कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिलर वो कह सकते हैं फिसल जाएगी। क्या हो जाएगा, कटिंग जो होती है वो एज में घुस नहीं सकती, अगर घुसने ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो छेनी फिसल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है टूटे बिना तन्यता वालों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की जो प्रॉपर्टी होती है उसका नाम बताना है। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं वो हमें क्या है बताना है। बताइए आप लोग कमेंट करिए, सभी लोग 58 का कमेंट करिए। वो हो जाएगा टेनेसिटी। टेनेसिटी मतलब बी ऑप्शन, टेनेसिटी कह सकते हैं टेनेसिटी। ठीक है, टेनेसिटी बी ऑप्शन, 58 का बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अब ये क्या है, हमारा एक माइक्रोमीटर है, इसमें एक्स रूप में चिन्हित भाग को बताना है, उसे क्या कहते हैं 59 का? सर उसे एनविल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे एनविल। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, एनविल ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, जो मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? तो माइक्रोमीटर की जो मैट्रिक आउटसाइड जो होती है एक्यूरेसी जो होती है वो होती है, आप कहेंगे सर वो होती है यानी कि 0.01 mm होती है, मिलीमीटर, यानी कि ए ऑप्शन इसका भी 60 का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग को बताना है, ये जो भाग है ये बताना है, इस भाग को क्या कहते हैं? बताइए, 61 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सर इसे बिंदु कोण कहते हैं, पॉइंट एंगल कहते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है ड्रिल सेक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? तो ड्रिल्स जो सेक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? तो 62 का जल्दी से आप लोग करिए, सर मोर्स टेपर कहते हैं, मोर्स टेपर बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ट्रेनी, आगे देखते हैं सभी ट्रेनी, अभी जुड़े रहिए, वीडियो को छोड़ के मत जाइए, आपका नुकसान हो जाएगा। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हमारा सिर्फ और सिर्फ हम एक ही चीज़ का प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं ड्राफ्ट, यानी ड्राफ्ट ड्रिफ्ट कह सकते हैं, ड्रिफ्ट जो होती है उससे निकालने के लिए। तो ए ऑप्शन इसका 63 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताना है, वॉक्स टाइप टैप रिंच, हैंड टी वो है टी हैंडल टैप रिंच, सॉलिड टाइप टैप रिंच, डबल एडजस्टेबल टैप रिंच, कौन सा हो जाएगा 64 का? वो हमारा सिर्फ और सिर्फ आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 64 का बी, यानी कि उसे बोले टी हैंडल टैप रिंच। ठीक है, बी ऑप्शन 64 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, ये बोल रहा है आइसोमेट्रिक थ्रेड में एम 10x1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल का गणना करें, तो उसकी गणना जो होती है वो हो जाएगी 8.2, कितनी 8.2, इसको रट लो आप लोग। 66 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 66 का बी होगा, एक मिनट, 65 का है ना, सही तो बता रहे हैं 8.2। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है जो ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है, उसकी इकाई बतानी है, वो कौन सी इकाई है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 66 का बी, एम एम अपॉन आर ई वी, ये किसकी हो जाएगी? ड्रिलिंग ऑपरेशन की फीड की इकाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग मतलब उसके पीछे वाला, ये
ये बताना है कौन सा भाग है, बीम, फिस्ट वार, डेप्ट वार या थंब लीवर। क्या सही हो जाएगा, वो हो जाएगा थंब डेप्ट वार। क्या हो जाएगा, डेप्ट वार, सी ऑप्शन इसका, और 67 का सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है संयोजन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या है, उसकी परिशुद्धता कितनी है, तो वो हो जाएगी 1%, यानी 1 डिग्री, 1 डिग्री परिशुद्धता है, कितनी, 1 डिग्री। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है, कितने लगभग होती है, वो हो जाएगी 1.002 से लेके 10 mm लेंथ, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। यह क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, और कमेंट करके इसका आंसर बताना है आप लोगों को, यानी आपको देना नहीं, सभी लोगों को। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट करके जरूर बताना, निशाना दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग करते हैं, तो किससे करेंगे, डी और ए में से कोई एक है, डॉट पंच या सेंटर पंच कोई एक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना है, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। देखो अगर आप नेक्स्ट क्लास चाहते हो तो आपको सपोर्ट तो करना पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपका वेट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।